नमस्कार, आमने सामने में आप सभी का बहुत स्वागत है। जी मीडिया परिवार की ओर से मैं आपको अपने सभी दर्शकों को नववर्ष की एवं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आमने सामने में आज हमारे सवालों का सामना करेंगे कालीचरण सर्राफ जी, जिनको हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। आपका स्वागत मंत्री जी। तो जी, एक नई जिम्मेवारी, स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्रालय का भार मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आप इसको प्रमोशन मानते हो जी, डिमोशन मानते हो? देखिए, प्रमोशन और डिमोशन का सवाल नहीं है। कैबिनेट तो पूरा एक परिवार की जैसे काम करता है जी। और परिवार की मुखिया जिसको जो काम उचित लगता है वो देती है। पहले मेरे पास शिक्षा विभाग था, उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग आया, अब स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग है। मुझे प्रमोशन डिमोशन का मामला नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री जी चाहती है कि किससे क्या काम लेना है। चैलेंजेस हायर एजुकेशन में भी आपके पास बहुत थे और उतने ही या उससे ज्यादा आपके पास स्वास्थ्य में है। ये जो हायर एजुकेशन में थे उसका भी हमने बखूबी चुनौतियों का मुकाबला किया और उनका समाधान किया समस्याओं का। और स्वास्थ्य विभाग में भी जो भी चुनौती होगी उसका हम मुकम्मल तरीके से और सामना करेंगे। हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ ही एक प्रश्न जो कि स्वास्थ्य विभाग पे लागू होता है जी, वो है वैकेंसीज। मेडिकल कॉलेज हैं लेकिन बहुत सारी वैकेंसीज हैं। हाई कोर्ट ने हाल ही में सरकार को चेताया है और हाई कोर्ट ये कहती है कि ऐसा लगता है कि सरकार शायद इस चीज को आगे बढ़ाने में और इस चीज को सहूलियत देने में लोगों को इंटरेस्टेड नहीं है। प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी नहीं, साथ साथ नर्सिंग स्टाफ की हजारों में वैकेंसियां जा रही है, बच्चे क्या पढ़ेंगे? वैकेंसीज का सवाल है। हमने 3 वर्षों में 4594 डॉक्टर्स के पद रिक्त थे, उन पर हमने नियुक्तियां की है। 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों की हमने नियुक्तियां की है। और नर्सेज का जहां तक सवाल है, 12,000 पदों के लिए हमने जो सबऑर्डिनेट बोर्ड है उसमें रिक्विजिशन भेजा है और वहां से उनका सिलेक्शन होगा। तो सरकार बिल्कुल गंभीर है, जहां जहां भी पद रिक्त हैं उनको भरे जाने के लिए। और जहां तक डीओपीसी का सवाल है जी, हमने अभी 1100 प्रमोशन मैंने बनते ही निर्देश दिए थे अधिकारियों को और 1100 डॉक्टर्स का प्रमोशन कल ही हुआ है। एक चीज आप ये मानेंगे कि नए मेडिकल कॉलेजेस की भी स्थापना चल रही है, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट ने जो एक आगे इस चीज को लकर के लागू किया है कि हम लोग हर प्रदेश में कुछ एक मेडिकल कॉलेजेस को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाएंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पर बीकानेर कोटा उदयपुर का जिक्र हुआ है, जिसके अंदर की यूनियन मिनिस्ट्री इन चीजों को 70 में से ये 3 उन्होंने यहाँ पर। हम केंद्रीय सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सृजन योजना के अंतर्गत और हमारे राजस्थान के कोटा बीकानेर उदयपुर और जयपुर इनमें हर मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने 150 करोड़ रुपया का उसमें दिया है। उसमें 60% हिस्सा केंद्रीय सरकार का होगा और 40% हिस्सा हमारे राज्य सरकार का होगा। और चारों में सुपर स्पेशलिटी का भी केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आए थे और मैं भी उनके साथ था, हमने उसका शिलान्यास किया है। और जल्दी ही आपको ये देखने को मिलेगा कि सुपर स्पेशलिटी विंग बनने के बाद वहां पर सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी हम दे रहे हैं। और जिक्र जो हम लोग करेंगे और उसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि हाल ही में तो यह हाल है कि सवाई मानसिंह अस्पताल की फैसिलिटीज आप लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। बात हम लोग करें बीकानेर उदयपुर की, अगर हम लोग 8 नए मेडिकल कॉलेज की जिनका भी जिक्र हुआ है, जिसका आप कह रहे हैं कि 190 करोड़ दिए हैं, जो कि अलवर भरतपुर डूंगरपुर सीकर बाड़मेर चूरू पाली अपना और भीलवाड़ा की तरफ लगे जाएंगे। देखिए जी, क्या हो रहा है ना कि ये शिलान्यास बड़े हो रहे हैं, बोर्ड बड़े लग रहे हैं, फिर साल भर बाद पूछा जाता है तो पता चलता है जी अभी बाउंड्री वॉल होगी, फिर जी बिल्डिंग बन गई है। आपके अपने कार्यकाल में नया मेडिकल कॉलेज कितने हमारे राजस्थान की जनता को दे पाएंगे? सुनिए, आपके कार्यकाल का ज्यादा समय नहीं रह रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो करती है वो कहती है। इसलिए 8 मेडिकल कॉलेज जो हमने जो घोषणा हुई है, हर मेडिकल कॉलेज के लिए 190 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जून 2018 तक सब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी और 8वें मेडिकल कॉलेज में नया सत्र जो है हम इस बार जुलाई 2017 से प्रारंभ कर देंगे। मंत्री जी, अभी आपने बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर की और हम लोग इस चीज की बात करें, लेकिन हाल ही में हम लोग देख ही रहे हैं कि जो राजस्थान सरकार है वो टैक्सपेयर का पैसा इंश्योरेंस कंपनीज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रही है और ये पीपीपी मॉडल
कोई पता नहीं है कैसी नई ईजाद कोई भी चीज बनाया जा रहा है कि जैसे कि इस चीज में सब चीजों की सोल्यूशन है। किसी भी चीज की बात करें, हम टूरिज्म की बात करें, हम हेल्थ उसकी बात करें, तो सरकार कहती है हम पीपीपी मॉडल पे काम करें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव क्यों नहीं करते आप, पैसा तो आपको ले ही रहे हैं आप लोग। देखिए पीपीपी मॉडल पर सरकार का पूरा कंट्रोल रहता है। अब जैसे एसएमएस हॉस्पिटल में एमआरआई की और सिटी स्कैन की हमने पीपीपी मोड पर दे रखा है, पर वो सरकारी जो रेट्स है उस पर वो लोग जांच करते हैं, तो सरकारी रेट पर यदि वो जांच करते हैं, सरकार का भी उसमें कंट्रोल रहता है, तो क्या दिक्कत है पीपीपी मोड। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए सर, एक प्राइवेट अस्पताल जिसके पास, जहां तक मैं मानूंगी, चाहे हम लोग सहूलियतों की बात करें, चाहे हम लोग स्टाफ की बात करें, चाहे हम लोग एक्सपर्टीज की बात करें, भारत सरकार से काफी कम होगा, वो अच्छे से चला सकते हैं और सरकार खुद नहीं चला सकती, सरकारी तंत्र क्यों नहीं चला सकता है लोगों को? बिल्कुल चला सकते हैं, पर सरकार की आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, और हाँ वो ज्यादा से ज्यादा मैंने बता रहा हूँ ना, तो उसमें पीपीपी मोड पर भी यदि कोई निजी क्षेत्र के व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हमारी शर्तों पर, हमारी रेट्स पर यदि करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने की बजाय आउटसोर्स करके सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रही है? इसी का ये परिणाम है कि एसएमएस हॉस्पिटल में 200 करोड़ रुपए की लागत से अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट का यानी 7 मंजिला भवन बन रहा है, ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, 7 मंजिला भवन बन रहा है, ये तो मैं मानती हूँ, पर पिछले 1.5 साल से सवाई मानसिंह अस्पताल जो लिवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करी थी वो नहीं कर पाया। भवन बनाने से नहीं होगा सर, जब तक आप लोगों के डॉक्टर, आप लोगों की टीम कमिटमेंट और ट्रेनिंग नहीं होगी। मेरी बात सुनिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम पूरे एसएमएस हॉस्पिटल में चालू हो गया है, अब तो केवल बिल्डिंग बनना वो आवश्यक है, तो बिल्डिंग बन रही है, अभी भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। ट्रांसप्लांट तो नहीं हुआ ना लीवर, अब आप गिलास में आधा पानी है उसका आप ये भी कह सकते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है और आप ये तो आप मान रहे हैं कि आधा गिलास खाली है, ये तो आप मान रहे हैं आधा है, यानी 10 ऑर्गन ट्रांसप्लांट जहां होने हैं उसमें एक लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, बाकी तो हो रहे हैं। ये लीवर ट्रांसप्लांट याद दिला रही हूँ मैं, लीवर ट्रांसप्लांट भी होगा मैडम, अभी मेरे को 20 दिन हुए हैं, आप देखते जाइए, अब ये टेस्ट मैच का मामला नहीं है, तो 2020 होगा, अब 2020 होगा, चलिए ये देखते हैं। ये बात आप मानेंगे कि आज के दिन राजस्थान का, हमारे प्रदेश की जनसंख्या करीब करीब जी 7 करोड़ है, ठीक है, और हमारे यहाँ पे केवल बजट में 2% ऑफ द GDP हेल्थ केयर को दिया जाता है, क्या ये कम नहीं है? ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। सभी का स्वागत है। कहने को तो जी सरकार ऐसे चताती है जैसे कि भैया बहुत उनको चिंता है हम लोगों की सेहत की और बड़े बड़े स्कीम निकाले जाते हैं, लेकिन जब हम लोग आंकड़ों को देखते हैं तो केवल 2% ऑफ द GDP सर, आपको लगता नहीं बहुत कम है? देखिए अभी अभी आपने क्योंकि भार संभाला है तो मेरे को लगता है कि हो सकता है आप मुख्यमंत्री साहिबा को कहेंगे कि हाल ही के बजट में इसको थोड़ा बढ़ाइए, 4% कीजिए। देखिए GDP कितना परसेंट है ये प्रश्न नहीं है, पर अभी जो स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान में चल रही है, यदि और प्रदेशों की तुलना में इसकी तुलना करें तो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बढ़िया है। नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जितने भी स्टेट्स हैं उसमें सबसे यदि प्रतिष्ठित और जिसकी पहचान है हॉस्पिटल की, वो SMS हॉस्पिटल की है। तो सर साउथ से कंपेयर कर लेते हैं? नहीं, साउथ तो अब ये कहां से कंपेयर, अभी जो हमारे पास संसाधन है उसके हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल मुकम्मल चल रही है। और आपने देखा होगा कि हिन्दुस्तान में पहला राज्य है कि जहां भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो हमने चलाई है, और उसमें आप ये देखेंगे कि हमने एक साल में ये योजना चली, उसके बाद 496 सरकारी हॉस्पिटल और 645 यानी 645 निजी चिकित्सालयों में ये सुविधा उपलब्ध है, और एक साल में हमने 349 करोड़ रुपए, इसमें 6,99,000 लोगों के क्लेम बुक किए हैं और इसमें से 80% लोगों को भुगतान हो चुका है। एक आपको सर भामाशाह कार्ड योजना की ना एक छोटा सा लकुना बताती हूँ जी मैं आपको, प्रॉब्लम क्या होती है आपको कोई भी काम होगा, नहीं, मैं आपको क्योंकि आपके हाथ में ये पावर है कि आप इस चीज को सॉल्व कर सकें।
भामाशाह कार्ड योजना में ये होता है कि आपको 48 घंटे के अंदर अंदर आपको अपना वो कार्ड वहां जमा कराना होता है। बहुत बार ऐसे एक्सीडेंट केसेस होते हैं और हमारे यहां पर तो लोग कहां कहां से आके काम करते हैं, कई बार कहां से कहां एक्सीडेंट का केस ट्रांसफर होता है जहां पर कि वो उसको नहीं बता पाता। ऑन ग्राउंड डॉक्टर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि तो कई बार उनको सिर्फ कागजों में डिस्चार्ज करके दोबारा एडमिशन दिखाने पड़ते हैं। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और थोड़ा सा इन चीजों को लूजन करा जाए? क्योंकि होता क्या है जी, अल्टीमेटली वो इंश्योरेंस स्कीम वाले उसको एंटरटेन नहीं करते उनके क्लेम्स को और आम आदमी को भुगतान करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा जब भी कोई चीज की शुरुआत होती है तो शुरू शुरू में जब उसको व्यवहारिक रूप में अमल में लाया जाता है तो कुछ कमियां नजर आती है और उन कमियों को सरकार दूर करने का प्रयास कर रही है। क्या कमी आपको क्या कमी नजर आई? मैंने बताया ना, जैसे आपने भी बताया कि जो कमी है तो उसको दुरुस्त करेंगे। क्या दूर करेंगे? निश्चित रूप से इसको दूर करेंगे। जब भी कोई कमी करेंगे कि थोड़ा इसको फ्लेक्सिबल बनाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल की कितनी मॉनिटरिंग होगी और कौन करता है? पैनल हॉस्पिटल की मॉनिटरिंग कैसे हो रही है? मॉनिटरिंग सरकार करती है, बखूबी करती है। जहां कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। ऐसा नहीं है किस पर और आज आप ये देखिए, मैंने बताया ना आपको कि अभी कितने हॉस्पिटल में कार्रवाई हुई, किसी मतलब मेरे पास आंकड़े नहीं है। पर आप ये मान के चलिए कि जब भी कोई, हमने इस बात को अप्रिशिएट के लिए कि हमने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा को पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य है कि जहां हमने इसको लागू किया है। और आप देखिए कि एक साल में 349 करोड़ रूपीज इसमें राशि और 6,99,000 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। तो निश्चित रूप से इतना बड़ा काम होगा तो उसमें हो सकता है कि कुछ कमियां रही होगी। कमियां आएंगी, दूर करेंगे। सरकार तक बात कैसे पहुंचेगी? हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके माध्यम से हमारे पास सरकार अभी ये पहुंचेगी। जैसे अभी ये जो अल्ट्रासाउंड का ऑनलाइन पोर्टल है नहीं, जैसे अभी कोई एप्लीकेशन फॉर्मेट है, कोई हम लोग एक बॉडी बनाने की सोचते हैं कि ये हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटी की बॉडी बनाए। अभी हमने इस कार्यक्रम को एक साल हुआ है, इसमें जो जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो भी आवश्यक होगा इसके लिए ऑनलाइन यदि पोर्टल बनाने की आवश्यकता होगी तो वो भी करेंगे, और भी जो आवश्यकता होगी वो भी करेंगे। पर कमियों को दूर करने की निश्चित रूप से हम पूरी कोशिश करेंगे और आपको लगेगा 2-4-5 महीने के बाद कि अब कोई कमियां नहीं है। सर एक चीज और, मैं क्योंकि आपने सवाई मानसिंह अस्पताल का जिक्र किया और सच्ची में आपने कहा कि पूरे नॉर्थ इंडिया में आज के दिन आसपास के प्रदेशों से लोग यहां आते हैं, जिस तरह से फुटफॉल बढ़ता जा रहा है उससे डॉक्टर्स के ऊपर नेचुरली परेशानियां भी बढ़ी हैं। हाल कई बार हम लोग देखते हैं कि भाई वो मार पिटाई हो जाती है, फिर वो सिक्योरिटी के ऊपर भी हुआ है। इससे समय समय पर कुछ ना कुछ सरकार भी इस चीज पे ध्यान देती है, डॉक्टर्स भी देते हैं, हर कोई जो आता है कोई अपनी नहीं वो लेकर आता है। लेकिन सर एक चीज जो मैंने अक्सर नोटिस करी है, जब सवाई मानसिंह मेरा अक्सर आना जाना रहता है वहां पर, यह कि जो वहां पर अटेंडेंस आते हैं ना सर, क्योंकि सब दूर से आते हैं सर सवाई मानसिंह अस्पताल में, अटेंडेंस के लिए ना तो कोई हॉल है ना कोई सर खाने पीने की पूरी अच्छे तरीके से कोई फैसिलिटी है। और यहां तक कि जब आज के दिन हम लोग डिजिटल की बात करते हैं, आपके मोदी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन एक साइबर कैफे जैसी कोई चीज जिससे कि भाई इंसान अपना भामाशाह कार्ड, कोई इंश्योरेंस, कोई आइडेंटिटी बाय ईमेल स्कैन करके परिवार से मंगवा ले, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है? कुछ ऐसा डेवलप करना आपके दिमाग में है? देखिए जहां तक आपने कहा कि अटेंडेंट आते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए हमने अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्था की है जिसमें 5 रूपये में नाश्ता, 250 ग्राम वो कुछ भी आइटम ले सकता है, और 8 रूपये में खाना, ये वहां पर चालू हो गया है। और जहां तक कॉटेज की व्यवस्था है, कॉटेज पहले कितने थे और आज कितने कॉटेज हो गए, ये फैसिलिटी बन रही है। और इसी प्रकार से आउटडोर में जो मैंने निरीक्षण किया था, अभी 10 काउंटर हैं रजिस्ट्रेशन के, हमने उसको 20 करने का कहा है, और वहां लोगों को ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए मैंने मेरे विधायक को से और ये कहा कि यहां पर 20 वाटर कूलर लगाए जाए, और भी जो जो कमियां वहां पर हमें नजर आई कि उनको दुरुस्त करने का हम प्रयास करेंगे। अभी जैसे मेरे पे अभी मैंने जो डॉक्टर्स जो 80 का बैच है डॉक्टर एलुमनाई का, वो प्रतिनिधि मेरे से मिले थे, तो हमने उनको कहा कि भाई आप लोग सब संपन्न हैं, यहां से आप पढ़ करके गए हैं, तो उन्होंने ये हाँ भरी है कि वाटर फिल्टर प्लांट वहां 55 लाख रूपये की लागत से
वो लगाने के लिए उन्होंने कहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबकी भागीदारी रहे तो अच्छा रहता है, सबकी भागीदारी रहेगी। मंत्री जी, मैं एक तरफ और आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगी, ये मैं नहीं कहती कि आपको ये चीज कहीं आपके ख्याल में नहीं होगी, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ है, ठीक है, और आप ये मानेंगे कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या पे कहीं ना कहीं एक लगाम लगाना बहुत जरूरी है और इसको धर्म से जोड़ के राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाए, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा पहलू यह भी है कि स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स में राजस्थान में हाईएस्ट नंबर ऑफ फेलियर्स है। महिला जाके ऑपरेशन करवाती है और फिर उसके बाद वापस मां बन जाती है। इस तरफ आप क्या ध्यान देंगे, हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास जी राजस्थान न्यूज पर आमने सामने में है कालीचरण सराफ जी, और आइए जानते हैं कि आखिर क्यों राजस्थान स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स में हाईएस्ट फेलियर क्यों है। अरे तो फिर क्या होता है ना, सोच भी बन जाती है। फिर भी आप क्या हुआ, ऑपरेशन कराया था जी, फिर भी बच्चा हो गया, बेकार है ऑपरेशन कराने, और यहाँ साथ बनता पूरी भारत की। जहाँ तक परिवार कल्याण और परिवार नियोजन का सवाल है, मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार संभाली थी उस समय रेशो था 2.9 और आज रेशो हो गया 2.4 और इंडिया का रेशो है 2.1, तो हम जो इंडिया का रेशो है उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने, आपने जैसा मैंने कहा, 0.5 हमने इंप्रूव किया है, 2.9 से 2.4 आ गया। आपका ध्यान है इस तरफ, बिल्कुल सब ध्यान है, तभी 2.4 आया है, यानी 2.9 से 2.4 आ गया। सर देखिए, आप भी 3 साल में, अभी 2 साल बाकी है, तो हम जो हिंदुस्तान का रेशियो है उसके समकक्ष आ जाएंगे नेशनल एवरेज में। बिल्कुल। सर एक चीज आप मुझे बताइए कि स्कीम्स बहुत है, ठीक है, मुख्यमंत्री मिशन दवाई योजना स्कीम है, आधी बार दवाइयां होती नहीं है या खत्म हो जाती है। नहीं, आपको ध्यान दिलाऊंगी सर, मैं बता रहा हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी निःशुल्क दवा योजना उन्होंने प्रारंभ की, बिल्कुल, आज उससे 300% ज्यादा राशि हमने स्वीकृत की है। और आज मैंने जहां जहां दौरा किया, हॉस्पिटल का, गंगानगर गया, हनुमानगढ़ गया, धौलपुर गया, पता चला वैसे आप अस्पताल में जाएंगे तो अस्पताल साफ हो जाते हैं, चक्कर ऐसा नहीं है। मैं औचक निरीक्षण करता हूँ, यहाँ भी मैंने जब ऐसे में हॉस्पिटल में जब मैंने दौरा किया तो किसी को पता नहीं था, और वहां जाकर के मैंने पूछा जो जहां लाइन में लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, उनको सब दवाइयां मिल रही है, 450 दवाइयां यहां SMS हॉस्पिटल में उपलब्ध है। कल मैं धौलपुर गया तो वहां मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब 450 दवाइयां यहां भी उपलब्ध है। इसके पहले मैं अपने हनुमानगढ़ गया, वहां भी मैंने पूछा, यानी छोटा सा कस्बा है नावा, वहां पर भी मैं गया तो वहां पर भी दवाइयां उपलब्ध थी। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी जो घोषणाएं की है वो बजट का प्रावधान करके की है। मैंने कहा नहीं कि इतने बड़े काम में 2-4-5% कमियां हो सकती है, और जहां जहां कमियां ध्यान में आती है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं और करें। सर एक चीज अब आप बताइए, 17,000 PSC और ये अपने CSC हैं राजस्थान में, और इसमें 2.5 लाख मरीज दिल्ली का आउटडोर है, और इसमें 15,000 मरीज। तो आपका मैं जनसंख्या की तरफ ला रही थी, मैंने बताया ना जनसंख्या का, जैसे मैंने आपको बताया कि 2.4 पर आ गए हम, और इंडिया का जो औसत है वो है 2.1, तो 2.9 से 2.4 पर आए। सर एक चीज आपसे इस बारे में मैं जानना चाहूंगी कि एक ऐसा कोई तरीका हमारे यहाँ पर नहीं है जो कि एक नेशनल कोई अपना स्टेट कोई पोर्टल हो, कोई अपनी एक ऐसी समिति हो जहां पर कि बहुत सिंपल तरीके से, चाहे वो एक ऐप के थ्रू, चाहे वो एक ऑनलाइन के थ्रू, एक आम जन जिसको तकलीफ है वो आपको कम्युनिकेट कर सके। आफ्टर ऑल जब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में बड़े बड़े मिनिस्टर, चाहे मैं सुरेश प्रभु जी की बात करूं, चाहे पीयूष गोयल की, चाहे सुषमा स्वराज जी की, ये लोग ट्विटर पे और ऐप पे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राजस्थान डिजिटलाइज क्यों नहीं हो पा रहा है? जनता तैयार है सर, सरकार पीछे, जनता भी तैयार है और स्वास्थ्य मंत्रालय भी तैयार है। क्या करेंगे, 20 दिन हुए मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय संभाले, जो आपने कहा है, जो सुझाव दिया है उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक ऐप होना चाहिए ना सर, जिसमें कि इंसान उसको डाल सके कि भाई मैं फला हॉस्पिटल में खड़ा हूँ और मेरे को इस चीज के लिए परेशान किया जा रहा है।
आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लोगों के ऊपर आपका सुझाव बहुत अच्छा है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस बात को भी निश्चित रूप से हम लागू करेंगे। अगला आमने सामने लॉन्च आपकी ऐप जिस दिन लॉन्च होगी उस दिन करेंगे। हाँ बिल्कुल। दीनदयाल अमृत योजना के बारे में बताइए और आपकी क्या प्रायोरिटी है, आपने ये इतना बड़ा विभाग संभाला, इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभाली है राजस्थान की जनता। देखिए मैंने बताया ना कि हमने, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जितने भी जो पीएससीज हैं, हमने ये तय किया है कि 295 ब्लॉक्स हैं, 295 ब्लॉक्स, तो हर ब्लॉक में एक पीएससी को हम आदर्श पीएससी के रूप में विकसित करेंगे। जैसे स्कूल का अपना मॉडल शुरू हमने स्कूल में किया और उसको बड़ी सफलता मिली। बिल्कुल। इसी प्रकार से 295 जो पीएससीज है उनको हम आदर्श पीएससी के रूप में विकसित कर रहे हैं और सेकंड फेज में 600 इस प्रकार की पीएससीज को हम आदर्श में बनाएंगे। तो इस तरह से करके आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम लोग पीएससी को एक सर्टेन लेवल पे लें, लेकिन देखिए सर एक चैलेंज जो रहेगा, जो कि मैं ये नहीं कहूंगी कि वो भाजपा के लिए चैलेंज है, वो संपूर्ण भारत के लिए चैलेंज है कि डॉक्टर्स रूरल क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते, तो आप कैसे इक्विप कर पाएंगे सर इनको प्राइमरी के लिए? लगातार हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, अभी भी वैकेंसी और निकाली है और इस बार ये खुशी है कि जितनी वैकेंसी हमने निकाली है उससे 4 गुना लोगों ने इसमें अप्लाई किया है, तो उसका प्रोसेस हम जल्दी चालू करने वाले हैं और अगले 10-15 दिन में और वैकेंसी को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये बात सही है जो आप कह रही है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, नहीं जाते, वैकेंसी निकालते हैं उतने लगता है कि जो शपथ उन्होंने ली होती है वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हाँ तो ये अब यह है, पर अब इसमें लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आपको डॉक्टर बनाने में सरकार इतना लाखों रुपया खर्च करती है, थोड़ा सा प्यार से थोड़ा सा डरने से प्यार में तो सब भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर। 2017 में आप दो मेजर चीजें बताइए जो कि आप स्वास्थ्य विभाग में चेंजेस लाना चाहेंगे। देखिए 2017 में एक तो सबसे बड़ी सौगात जो हम प्रदेश को देने वाले 8 मेडिकल कॉलेज जी, 8 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे, अभी 14 मेडिकल कॉलेज है राजस्थान में, उनमें 8 गवर्नमेंट के हैं और 6 प्राइवेट सेक्टर में, तो 8 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए राशि स्वीकृत हो गई है और जगह चिन्हित हो गई है, बिल्डिंग्स बनना तैयार हो गई है और इसके लिए हमने वैकेंसी जो डॉक्टर्स की और जो आवश्यकता है वो हमने फाइनेंस को भेज दी है। फाइनेंस की जैसी स्वीकृति मिली तो ये अपॉइंटमेंट हो जाएंगे और हमारा ये प्रयास है कि 1 जुलाई 2017 को जो नया सत्र प्रारंभ होता है इसमें हम हर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई चालू करते हैं। ये तो बहुत अच्छा रहेगा जी, इसमें बहुत सारे बच्चों को दूसरा SMS हॉस्पिटल पर दबाव कम करने के लिए, वहां जो प्रेशर है कांवटिया हॉस्पिटल में आपने आज पढ़ा होगा कि आज MRI और CT स्कैन, बिल्कुल, और जयपुरिया को भी बहुत काम, जयपुरिया में 100 बेड की जगह 400 बेड हो गए हैं और हमारा प्लानिंग है इसको 500 बेड करने का और यहाँ भी MRI और ये CT स्कैन के लिए MOU हो गया है अटेंडेंट हॉस्पिटल के द्वारा और उनको हमने 6 महीने का समय दिया है, 6 महीने में वो यहाँ इसको चालू कर देंगे। इसी प्रकार से जो हमारा राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत प्रताप नगर में जी और 1500 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण का कार्य चल रहा है, उसमें पहले फेज में हम अगले 1 साल में 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर देंगे, वो लगभग 50% काम उसका पूरा हो गया है। और इसी प्रकार से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो हमारा प्लान है, ट्रॉमा सेंटर के पीछे बंगला नंबर 9 और 10 वो हमने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है, वो जैसे ही हमें मिलेंगे दोनों बंगले तो वहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए काम चालू हो जाएगा। सर चलते चलते आप एक संदेश, क्योंकि आपने स्वास्थ्य विभाग संभाला है और आज हम चाहेंगे कि वी राजस्थान के जरिए आप सभी डॉक्टर को एक मैसेज दें, तो चलते चलते एक छोटा सा मैसेज हमारे राजस्थान के डॉक्टर। देखिए जहां तक राजस्थान के लिए सरकार का प्रयास है, स्वस्थ राजस्थान तो विकसित राजस्थान, और स्वस्थ राजस्थान तभी बनेगा कि जब जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सेज हैं, ये सब सेवा भावना से काम करें, क्योंकि हमारा विभाग एक ऐसा विभाग है कि जहां जितनी हम सेवा करेंगे उतना ही ज्यादा हम जनता की सेवा कर पाएंगे। तो मैं तो मकर संक्रांति के अवसर पर सभी डॉक्टर्स से, सभी नर्सेज से, पैरामेडिकल स्टाफ से यही निवेदन करना चाहूंगा कि सेवा भाव से भगवान ने जो कुब्बत दी है उसके हिसाब से वो राजस्थान का नागरिक स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और समाज के विकास में अपनी भागीदारी दे सके, इसके लिए सब मिलकर के प्रयास करें।
और मेरे ख्याल से इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने हमें समय दिया। तो ये था आमने सामने हमारे माननीय मंत्री कालीचरण सराफ जी के साथ। अगले रविवार मैं फिर होंगी आपके बीच, तब तक जय हिंद।